दिन के बज गए 6, तो आइए जो हमारे साथ लेटी है इनका नाम है शनाली, मेरा नाम है महिमा, इनको थोड़ा सा परेशान करते हैं और उठाते हैं। शनाली उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। अरे उठ जाओ, उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, उठो। हाय गाइस, चलो अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने और उसके बाद में ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। शनाली जाएंगी अभी मेरे लिए नींबू पानी, अपने लिए नींबू पानी लेके आएंगी, वर्कआउट करेगी, तो इस तरीके से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैंने आज फिर से मुझे 6 बजे उठा दिया, मुझे नहीं उठना था, कोई बात नहीं, अब उठ गए हैं तो दिन की शुरुआत करते हैं। और अब मैं जाऊँगी और अपने लिए गर्म पानी करके लाऊंगी, हमारा रूटीन है मॉर्निंग का। उसके बाद हम आपसे शेड्यूल अपना शेयर करते हैं, मिलते हैं बाद में। तो है महिमा, आ जाओ अपना पानी पी लो। मेकअप की क्लास भी शेड्यूल की है, तो आज उसमें कौन सा मेकअप है? आज फेस पेंटिंग है, मतलब बॉडी पेंटिंग, टाइम लगेगा उसमें तो, और वो आप ही के ऊपर करना है। उससे पहले हमें पूजा भी करनी है, नवरात्रि का तीसरा दिन है, ब्रेकफास्ट भी सब करना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, तो बहुत काम है। अभी साहिल को थोड़ी देर बाद उठाते हैं, पहले अपने काम कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, हाय गाइस, तो हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं। आज हमने काफी टाइम बाद दोनों ने साड़ी पहनी है, आप बताना हम दोनों कैसे लग रहे हैं। हाँ, वी आर वेरी एक्साइटेड टू रीड ऑल योर कमेंट्स। और इस ट्रेडिशनल में बहुत अलग सी फीलिंग आती है। बिल्कुल बिल्कुल, सो साड़ी पहनना मतलब लड़कियों के लिए तो वैसे ही बहुत अलग सी फीलिंग होती है। बाकी हाँ, जैसे कि बहुत लोगों को नहीं पता हो कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं प्राइवेट बैचेस भी होल्ड करती हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं मुझसे मेकअप सीखने, प्रोफेशनल मेकअप सीखने। सो ये हमारी छोटी सी अकेडमी है, इसके हम ग्लिम्प्स थोड़े से बाद में देंगे, तो थोड़ा सा यहाँ से हम सेट कर देंगे चीज़ें, और जब स्टूडेंट्स आएंगे उनसे भी आप लोगों को मिलवाएंगे। बहुत लेट हो रहा है, चलो चलते हैं यार, पहले पूजा करनी है, उसके बाद में और हमें ब्रेकफास्ट करना है। चलो, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और जैसे कि आप देख सकते हैं सब लोग, हमने पहले दिन पे नवरात्रि की कलश स्थापना और अखंड ज्योति की स्थापना की थी, और हम दोनों ने व्रत रखे हैं पूरे 9 दिन, और बस हमें यही मनोकामना करते हैं कि हमारे परिवार और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें, सेहतमंद रखें, सुख शांति में सब। अब हमने दिया एक और जो ज्योत थी हमने जला चुकी है, अखंड ज्योत है जो 9 दिन तक चलेगी, और अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट। अरे यार, आप तो मुझे बताया नहीं, मैं इतना लेट हो गया, मुझको सॉरी मैं लेट हो गया। आप मैं लेट हूँ, मैं नाश्ते के लिए मैं प्लीज ब्रेकफास्ट करा दो। ठीक है, हाँ शनाली आप टीका कर दो प्लीज। आप लोग कब उठे सुबह? हम तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, हमने नहा धो के काम वाम करके पूजा वूजा बनने वगैरह। थैंक यू, मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, भगवान जी माफ करना। आज ठीक है मेहमा? हाँ, खाली हल्की सी चीज़ें ना थिक रखेंगे तो ही टिक्की का वो फ्लेवर अच्छा आ पाएगा। वैसे ना नवरात्र में ये वाला खाना खाने में ना सच में बहुत बहुत बस मुझे साबुदाने की एक ही चीज अच्छी लगती है, वो है हमारी साबुदाने की टिक्की, वरना साबुदाना आई हेट है।
बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, ये तो बहुत जल्दी भी बन जाता है, बस प्रिपरेशन होनी चाहिए पहले से, आलू बॉइल्ड हो बस बस हो गया कितनी अच्छी बनी है ना, एकदम गोल्डन गोल्डन क्रिस्पी एकदम, सारे को अच्छा लग गया। कल की तौर पर ज्यादा अच्छी बनी है, हाँ कल थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन हो गया था है ना, बहुत ज्यादा। नाश्ता रेडी हो गया, थैंक यू यार, आजा आजा बैठो, चेक करो। और इस बार 4 किलो का 5 आलू है, मतलब आलू है। अगर मैं कंपेयर करूं इनके जबरदस्त है, नहीं एक्सीलेंट है, ठेला लगाते हैं कितना बहुत चलेगा दबा के। मैं चाह रही थी तू क्या करेगी, मैगी बनाएंगी, मैगी मैं चाय मेरा चाय का ठीक है, तो भाई बुला देखो उसका लगा देंगे पानी बोतल का काम क्या बना रही है पेंटिंग मेकअप का, हेलोवीन आने वाला है तो आई वाज थिंकिंग कि पंपकिन होता है ना हेलोवीन पे जो आता है, तो पंपकिन हॉरर पंपकिन ऐसा कुछ हम पेंट करें, तो हम ब्लॉग में दिखाएंगे पूरा। वो कैसी लगेगी फिर, हॉरर भूत नहीं, अरे एक्साइटेड बहुत 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 ज्यादा, बहुत ज्यादा भूत बनने के लिए मजा आएगा, पहली बार फेस पेंटिंग हुआ तो एक्साइटमेंट ज्यादा ही होती है। ग्रेट, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं तो बोला था कि मेरे को 7 बजे सुबह जगा देना, 8 बजे मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, 9 बजे आपके स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो 10 बार बोला आपको जगाने के लिए फिर भी नहीं जगाया। हाय गाइस, सो आई एम बैक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज मेरा एक क्लास होने वाला था, जिसको मैंने बताया था कि उसमें मैं फेस पेंटिंग करने वाली हूँ और वो भी सोनाली के ऊपर। सो ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है, मेरे स्टूडेंट्स जा चुके हैं, अभी सिर्फ शूट चल रहा है, तो आइए थोड़ी सी मैं आपको ग्लिम्स देती हूँ शूट के, एक सेकेंड। हाय सोनाली, सो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ब्यूटीफुल वाला, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ब्राइडल कर लिया था हमने और ग्लैम मेकअप भी कर लिया और आज हमने की है फेस पेंटिंग। तो कमेंट करके आप लोग भी बताना कि आपको ये इंटरेस्टिंग सा लुक कैसा लगा। आज हमें सुबह से फेस पेंटिंग में अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 घंटे लग चुके हैं और सोनाली भी नहा के आ चुकी हैं नीचे और ऑलमोस्ट हमारा व्लॉग एंड पहुंच चुका है। सो गाइस, आप लोगों ने हमारा मेकअप देखा आज, वैसे कितना टाइम लगा हटाने में, जल्दी हट गया? आई थिंक नहीं, आधा घंटा मुझे लग गया। पर कोई बात नहीं, कभी कभी ये चीज़ें होती है तो बहुत अच्छा लगता है करने में। तो आप लोग बताइएगा कॉमेंट्स में हमारा पहला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और मेकअप कैसा था, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अब 7 बज चुके हैं, साहिल भी आने वाले, गुड नाइट, बाय।